Hello students, how are you all? I am Divya Singh and I am an educator at Life Education Lab. And कैसे हो आप सब? So आज हम start करने जा रहे हैं अपने new chapter. हमारे chapter का आज name होगा Classification of Organisms. Classification of Organisms. इसको हम biological classification के नाम से भी जानते हैं. अगर आप NCERT में देखोगे तो फिर इसका नाम दिया गया है biological classification. तो ये हमारा इसका lecture number 1 होगा. अब सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं. इस चैप्टर का ही ओवरव्यू, ओवरव्यू मतलब होता क्या है? ओवरव्यू का मतलब बेसिकली ये होता है कि इस चैप्टर का टेलर कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं. वरना अगर हमें ये नहीं पता होगा कि इसमें हमने कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो हमारे चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. इसलिए सबसे पहले ओवरव्यू देखना काफी ज्यादा जरूरी है. उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. मतलब हम अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में देखेंगे. हम हर टॉपिक पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे. उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा, थर्ड टॉपिक हमारा होगा मोनेरा किंगडम के ऊपर. हमारा फोर्थ टॉपिक होगा प्रोटिस्टा किंगडम के ऊपर. देन फंजाई, उसके बाद प्लांटिंग एंड एनिमिलिया. एंड सबसे लास्ट में हम देखेंगे वायरस, वायरल्स और लाइकेंस के, वायरस, वायरल्स, लाइकेंस और प्राइम्स के बारे में देखेंगे. अब इसमें एक मेन बात भी है इसको लेकर, ये जो टॉपिक है ना प्लांटिंग एंड एनिमिलिया, इसमें जो टॉपिक्स है प्लांटिंग एंड एनिमिलिया, ये हमने इस चैप्टर में नहीं करेंगे, ये हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे. तो हम ये और कहाँ पढ़ेंगे? इनके लिए सीबीएसई ने सेपरेट चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो हम इन्हें सेपरेट चैप्टर्स में पढ़ेंगे अलग अलग. सीबीएसई ने सेपरेट चैप्टर्स बनाए हैं. एंड एक और बात है, जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है वायरस, वायरॉइड, लाइकन एंड प्राइम वाला, ये जो हमारा फाइव किंगडम क्लास, ये जो हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये इसकी एक्सेप्शन है. ये हमारी आर्च रिपीकल का जो सिस्टम है उसकी एक्सेप्शन है. अब तो हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ. तो हमारा टॉपिक नंबर 1 होगा इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझेंगे कि आखिर ये हमारा चैप्टर है क्या. इसको पहले हम बारीकी से समझते हैं किसने इसको इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 1 से, मतलब इंट्रोडक्शन. इस चैप्टर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. हमारा ये जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोल रहे हैं, हम इसमें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन का मतलब समझेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है हमारा? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को क्लासिफाई करना. क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? और क्लासिफाई का मतलब हमारा होता है ग्रुप्स बनाना, किसी चीज की ग्रुपिंग करना. मतलब जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बड़े लोगों का. अगर हम बड़े लोगों को देखें तो हम उनको दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं. एक तो 20 से 30 साल के लोग और दूसरे हमारे 30 से 40 साल के लोग. तो हमारे ये जो 20 से 30 साल के लोग होंगे, इनके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जाएंगे जो सिर्फ इन्हीं के अंदर होंगे. जो गुण इनके अंदर पाए जाएंगे वो इन्हीं के अंदर ही रहेंगे. और 30 से 40 वाले लोगों के अंदर भी कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स ऐसे ही पाए जाएंगे. इनके अंदर भी कुछ गुण कॉमन होंगे. तो अगर अगर किसी भी चीज को हम ग्रुप्स में बांट लेते हैं या इस तरह से क्लासिफाई कर लेते हैं तो हमारा स्टडी करना ईजी हो जाता है. क्लासिफिकेशन से क्या होता है? हमारा स्टडी करना ईजी हो जाता है. जैसे अब 20 से 30 साल के लोग हैं, हम उनको और ज्यादा ग्रुप्स में बांट सकते हैं. जैसे हम उनको बांट सकते हैं स्टेट वाइज कि ये कौन से स्टेट में रहते हैं, या फिर उनके काम के अकॉर्डिंग में बांट सकते हैं, वर्क वाइज भी बांट सकते हैं, या और भी हम बहुत सारे क्राइटेरिया ले सकते हैं. सो क्लासिफिकेशन का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा. तो इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कैसे ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब जो जिंदा प्राणी हैं हम उनको ग्रुप्स में बांटते हैं अलग अलग तरीके.
ठीक है, इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमने अलग अलग ग्रुप्स में बांटा, उन ग्रुप्स की डिटेल में स्टडी भी करेंगे। ये जो ग्रुप्स दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में ग्रुप्स हैं, मोनेरा का हिस्सा बन जाए, इन ग्रुप्स में हम इनको बांटेंगे। क्लासिफिकेशन करने की शुरुआत किसने की थी? वो जो पर्सन थे जिसने पहली बार क्लासिफिकेशन करने की शुरुआत की थी, वो हमारे एरिस्टोटल बाबा। सर एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, मतलब ये बायोलॉजी के पिता कहते हैं हम इनको। इन्होंने पहली बार कोशिश की थी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की, मतलब ऑर्गेनिजम्स को पहली बार ग्रुप में बांटने की इन्होंने कोशिश की थी। और किसी ने तो सोचा भी नहीं था, पर इन्होंने कोशिश तो की। इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या था, जो हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने दो ग्रुप्स में बांटा था, कौन कौन से, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दो ग्रुप्स में हमारा बांटा था, और प्लांट्स और एनिमल्स को भी कुछ और ग्रुप्स में बांटा था। जैसे प्लांट्स को इन्होंने कीज, श्रब और हर्ब में बांटा था। कीज का मतलब होता है पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, एंड श्रब जो आस पास जंगलों में हम झाड़ी देखते हैं या रोड्स पे भी झाड़ियाँ दिख जाती हैं, वो सारे श्रब्स में इंक्लूड होते हैं। एंड हर्ब, हर मतलब जो काम की जड़ी बूटियां होती हैं, जो दवाई में भी काम आती हैं, इस तरह के पौधे को हम बोलते हैं हर्ब्स। प्लांट्स को इन्होंने ऐसे तीन ग्रुप्स में बांट दिया था। सिमिलरली इन्होंने एनिमल्स को भी दो और ग्रुप्स में बांट दिया था। पहला पहला इन्होंने बांटा था एनाइमा में, सेकंड एनाइमा में, मतलब ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट था, लाइक ब्लड सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट थे, उनको भी इन्होंने रखा एनाइमा में, और जिसके अंदर एब्सेंट थे, ए का मतलब एबसेंट, जिनके अंदर एबसेंट थे उनको उन्होंने रखा एनाइमा में। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एबसेंट थे, ए का मतलब यहाँ पे ए का मतलब है यहाँ पे एबसेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर में अपना सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, ये हमारा होगा सेकंड टॉपिक। ठीक है, मतलब हम इसमें हम अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में देखेंगे, जो अलग अलग तरह के साइंटिस्ट ने दिए थे। तो हम इसमें छह तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम आरएच बिटेकर क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, फिर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में भी देखेंगे, और इसका दूसरा नेम क्या है, थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल वाले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये तो अभी हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था। तो अब बचे हुए जो पांच सिस्टम्स हैं ना, हम उनके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट मतलब सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम से, जिसका नेम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हमारा किसने दिया था, ये हमारा दिया था एक साइंटिस्ट जिनका नेम था कैरोलस लिनियस। क्या था, कैरोलस लिनियस नेम के साइंटिस्ट ने हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक नामकरण का प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में नेम, मतलब हम किसी को अगर हमें नेम देना होता है तो उसे पार्ट्स में देते हैं, जोड़े बनाकर देते हैं, हम किसी का नाम इसमें जोड़े बनाकर रखते हैं। तो फिर अपने रूल को फॉलो करने के लिए इन्होंने अपना नाम कैरोलस लिनियस रख लिया, जबकि पहले इनका नेम था कार्ल वॉन ग्लेन। तो इन्होंने दो जोड़े में अपना नेम रख लिया अपने रूल को प्रूफ करने के लिए। तो अब हम देखते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने कौन कौन से ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को बांटा। इन्होंने अभी इनकी तरह ही एनिमल्स और प्लांट्स में बांटा, पर इनका क्राइटेरिया कुछ अलग था। इन्होंने किस तरह से बांटा था, उन्होंने तो बाहर देख के बांटा था कि बाहर से एरिस्टोटल ने तो बाहर से देख के बांटा था कि बाहर से वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं, लंबे हैं छोटे हैं, इस अकॉर्डिंगली बांटा था। पर इन्होंने अंदर से देख कर बांटा, जैसे एनिमल्स हो गए हमारे, एनिमल्स को इन्होंने सेल वॉल, ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने सेल वॉल के बेस पे बांटा था, जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है उनको तो इन्होंने लग दिया प्लांट्स की कैटेगरी में, और जिनके अंदर सेल वॉल हमारी एब्सेंट है उनको इन्होंने लग दिया हमारी एनिमल्स की कैटेगरी में। ठीक है, विदाउट सेल वॉल वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे एनिमल्स के अंदर आते हैं। पर इनका ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थी। इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, इसमें कुछ कमियां भी थी। कमी क्या थी कि हम जो है
पता नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा फंजाई है, या अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म सब इसी में हमने घुसा दिए। हमें समझ नहीं आ रहा था, मतलब सेल वॉल के बेस पे हम इजीली क्लास पे स्टडी नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से ये इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की कमी थी। उसके बाद हमारा आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम थ्री के सिक्के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे किसने दिया था? ये हमारा दिया था एनएस ठेकर। किसने? एनएस ठेकर। ये हमारे साइंटिस्ट थे। एनएस ठेकर ने हमारी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इन्होंने क्या किया था, वो जो कैलस लिमिट सारे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, उसमें एक और किंगडम को इन्होंने ऐड कर दिया था जिसका नेम था प्रोटिस्टा। इन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम को ऐड कर दिया था। तो हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि किंगडम क्लासिफिकेशन में थ्री ग्रुप्स आ गए थे, प्लांटी, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा। उसके बाद आया नेक्स्ट फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा दिया था कोपलन नाम के साइंटिस्ट ने, और उन्होंने इसी इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक और किंगडम ऐड कर दिया जिसका नाम था मनेरा, मतलब जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं वो वाला किंगडम इसने ऐड कर दिया। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपनी अगले क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको हम आर्य छत्तीसगढ़ सिस्टम भी कहते हैं, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, आर्य छत्तीसगढ़ सिस्टम से, इसलिए इसी इसी को जरूर पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम 5KC भी बोलते हैं, या फिर इसको हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, आर्य छत्तीसगढ़ क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हमारे किसने दिया था? ये हमारे दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था आर एच विटेकर, और कब दिया था? 1969 में इन्होंने हमारा ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था पहली बार। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसमें क्या नई चीज की थी? आर एच विटेकर ने हमारा जो पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें एक और न्यू किंगडम को ऐड कर दिया था जिसका नाम था फंजाई। ठीक है, तो उनका ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था तो उसमें पूरे 5 किंगडम्स हो गए थे। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये 5 किंगडम्स हो गए थे, और इन्होंने ऐड किसको किया था? इन्होंने ऐड किया था हमारे फंजाई किंगडम को। ठीक है, बस इस वाले टॉपिक में हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। ये हमारा किसने दिया था पहली बार? ये हमारा दिया था कार्ल वोस ने। किसने? ये हमारा सिस्टम दिया था कार्ल वोस नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिए थे, या फिर 3 डोमेन्स में बांटा था सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, 3 डोमेन्स में बांटा था। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिए थे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन्होंने 3 डोमेन्स दिए थे। उसके बाद इन्होंने एक्चुअल में क्या किया था कार्ल वोस ने, ये जो हमारा मुनेरा किंगडम था, यहाँ पे सबसे पहला ये जो हमारा किंगडम था मुनेरा किंगडम, इसको इन्होंने 2 और ग्रुप्स में बांट दिया। कौन कौन से ग्रुप्स? आर्की और यू बैक्टीरिया। एक बात है, इन्होंने आर्की और यू बैक्टीरिया में, आर्की में आते हैं हमारे सारे आर्की बैक्टीरिया जो पुराने बैक्टीरिया थे वो, और यू बैक्टीरिया में आते हैं हमारे सारे न्यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन्होंने जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिए थे, सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिए थे इन्होंने, कौन कौन सा? यूकेरिया, आर्की, यूबैक्टीरिया। ठीक है, ये 2 तो मोनेरा की पार्ट हो गए, नीचे वाले ऊपर का हो गया यूकेरिया वाले पार्ट। अभी हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। आर्की के अंदर आते हैं हमारे सारे आर्की बैक्टीरिया, जितने भी हमारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो सारे हमारे आर्की के अंदर आते हैं, मतलब सारे हमारे पुराने बैक्टीरिया। एंड यूबैक्टीरिया के अंदर आते हैं हमारे जो बचे हुए सारे बैक्टीरिया, पुराने वाले से जो सारे अलग है, आर्की बैक्टीरिया से अलग जो बचे हुए बैक्टीरिया है वो सारे हम रखते हैं अपने यू बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद जो हमारा थर्ड डोमेन है यूकेरिया, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कौन कौन से किंगडम्स आते हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर ही हमारे आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये 4 किंगडम्स इसके अंदर आते हैं, मतलब मुनेरा से अलग जो बचे हुए सारे किंगडम्स हैं वो हमारे आ जाते हैं यूकेरिया के अंदर। तो ये था हमारे ये जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं, ये जो हमारे फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं ये तो हमारे कवर हो चुके हैं। एंड अब
तो बच्चों, फाइव किंगडम ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल भी हुई है, तो उस टेबल को मैंने यहाँ बोर्ड पर बना लिया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो फाइव किंगडम ट्रांसफॉर्मेशन में जो क्राइटेरिया दिए थे आर एस वटेकर ने, उन्हीं क्राइटेरिया को उन्होंने एक टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था कि कैसे उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कैरेक्टर्स के बेस पर। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हो गए इस साइड में, जैसे सेल टाइप, सेल वॉल के बेस पे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट जो क्राइटेरिया लिया था उन्होंने वो था हमारा सेल वॉल। तो मोनेरा में हमारा सेल टाइप कैसे होता है? मोनेरा किंगडम में, मोनेरा किंगडम किसका होता है? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? सारे पुराने सेल्स होते हैं। मलेरिया किंगडम हमारा किसका है? बैक्टीरिया का। जो किंगडम है हमारा मलेरिया, ये पूरा बैक्टीरिया का किंगडम है और इसमें सारे पुराने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक, मतलब पुराने। और बाकी सारे जितने भी हमारे किंगडम में ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे नए हैं, मतलब इनके बाद आए हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी और सभी बाकी सारे हमारे यूकैरियोटिक। उसके बाद जो हमारा सेकेंड क्राइटेरिया लिया था वो था हमारा सेल वॉल। सेल वॉल मोनेरा में कैसी पाई जाती है? मोनेरा में पाई जाती है हमारी पेप्टाइड और ग्लाइकिन की या फिर म्यूरिन की सेल वॉल पाई जाती है, जो बाहर की कवरिंग होती है ना, उसी को हम कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल इनके अंदर कैसी पाई जाती है? पाई तो जाती है बैक्टीरिया के अंदर, सभी के अंदर पाई जाती है, सिर्फ एक के अंदर ही एबसेंट होती है एनिमल्स के अंदर। तो बैक्टीरिया में या मोनेरा किंगडम में सेल वॉल हमारी पाई जाती है पेप्टाइड और ग्लाइकिन की। उसके बाद हमारा है एक और, उसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर कुछ ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है, कुछ ही प्रोटिस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, सभी में नहीं होती है। फंजल में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किस चीज की? हमारी सेल वॉल इसमें बनी हुई होती है कार्टिन की, सेल्युलोज की नहीं होती, कार्टिन की होती है, मतलब विदाउट सेल्युलोज। प्लांटिंग में हमारी जो सेल वॉल होती है वो हमारी होती है सेल्युलोज की बनी हुई। और एनिमेलिया किंगडम में एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट ही होती है, उनके अंदर जो भाग की कवरिंग होती है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। उसके बाद हमारा थर्ड क्राइटेरिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस, जब बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन कहाँ से होगी? तो इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मोनेरा के अंदर जो एब्सेंट होती है, और बाकी सभी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बाकी सभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग होती है वो हमारी प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्राइटेरिया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस। ठीक है, मतलब कैसे है ऑर्गेनिज्म, कैसे है, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, एक सेल से बने हैं या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, वो हम देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर थैलस में। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर हमारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही सेल से हमारे ऑर्गेनिज्म बने हुए होते हैं बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के अंदर हमारे, इसमें भी हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कि वो भी हमारे सिर्फ सिंगल सेल से ही बने होते हैं। और बाकी सब में जो बचे हुए किंगडम है उन सब में हमारे फिर मल्टी सेलर आ जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल से ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे फंजाई के अंदर लूज टिश्यू फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा बड़े नहीं पर लूज टिश्यू लेवल पर जो है टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाता है, ग्रुप ऑफ सेल जो बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद प्लांटिंग में जो है अच्छा खासा टिश्यू बन जाता है, टिश्यू बाद में टिश्यू की ग्रुप बन के फिर हमारा एक ऑर्गन भी बन जाता है, जैसे प्लांट्स के अंदर उसकी लीव्स हो गई, उसकी रूट्स हो गई, उसकी स्टेम हो गई, ये सारे पार्ट्स में बने लग जाते हैं। सिमिलरली ऐसे ही एनिमल्स के अंदर है, उनके अंदर टिश्यू भी होता है, टिश्यू का ग्रुप बन के फिर ऑर्गन बन जाता है, और ऑर्गन के बाद फिर हमारा पूरा एक ऑर्गन का सिस्टम बन जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस वजह से हमारे जो सिस्टम्स भी फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्राइटेरिया है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, अलग अलग किंगडम्स में जो बांटा है उसमें ऑर्गेनिजम किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना खाना किस तरह से खाते हैं। तो मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्स टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, सबसे ज्यादा डाइवर्स टाइप का इनके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब ये जो हर तरीके से खाते हैं, हर तरीके से मतलब ये खुद भी अपना खाना बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बदतर से बदतर कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं बहुत ज्यादा ईजीली।
उनके अंदर ऑटोट्रॉफिक भी पाया जाता है, न्यूट्रिशन हाइड्रोट्रॉफिक सब तरीके से न्यूट्रिशन पाया जाता है। फिर हमारे प्रोटीज का जो किंगडम है उसके अंदर भी हमारे ऑटोट्रॉफिक और हाइड्रोट्रॉफिक दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म, दोनों तरह के न्यूट्रिशन पाया जाता है। मतलब ये भी अपना खाना खुद बना लेते हैं और दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं खाने के लिए। पर इतना ज्यादा डाइवर्स नहीं है, इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा इनकी तरह अच्छी नहीं होगी खाना बनाने में। उसके बाद हमारा किंगडम आता है फंजाई। फंजाई में जो है सारे ऑर्गेनिज्म हमारे हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते हैं, वो बाहर किसी अदर रिसोर्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। हेटरोट्रॉपिक में हम दो तरह के इसमें न्यूट्रिशन देखेंगे फंजाई के अंदर, कौन कौन से। एक तो सबसे पहला हमारा सैप्रोफिटिक और दूसरा हमारा पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक में क्या होता है, ये अपना न्यूट्रिशन देते हैं डेड और डिकेइंग मैटर को खाके, जो मरे हुए सब्सटेंस होते हैं, जो सड़े गले खाना होता है ना उससे अपना ये न्यूट्रिशन देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रोटियों पर जब रोटी ज्यादा घुस जाती है, ज्यादा दिन की जाती है तो उससे फूड लग जाती है, तो उस तरह से ही डेड चीजों से जो है अपना खाना लेते हैं। अब ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, जैसे फंजाई का हाइपा हो गया, फंगल हाइपा, ये जो अपने एंजाइम्स जो बाहर छोड़ देते हैं, जो हमारा खाना होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर उसके ऊपर अपना जो है एंजाइम्स डाल देते हैं और वो बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है और फिर उसके अंदर निकल के न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। ठीक है, ये बाहर ही खाने को पचा देते हैं, तब अंदर लेते हैं। अब पैरासिटिक भी फंजाई पाई जाती है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहती है, ऐसी फंजाई पाई जाती है जैसे गाय के ऊपर और भी काफी सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पाई जाती है। प्लांट किंगडम के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारा, वो होता है ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये अपना खाना सारा खुद बनाते हैं, दूसरों पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। और अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। जैसे ये पार्ट हो गया, प्लांट जो सन से सनलाइट लेते हैं और बाहर से कुछ गैसेस लेकर अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद हमारा किंगडम हो गया एनिमेलिया। एनिमेलिया में जो तीनों तरह की इसमें जो हमारा हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, इसमें तीनों तरह का हमारा न्यूट्रिशन पाया जाता है, होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, तीनों तरह का हमारा न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक में क्या होता है, ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म को, पूरे जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है उसको पका के खा जाते हैं। कैसे ऐसा वो कैसे करते हैं, मतलब इनके अंदर जो एक प्रोसेस चलता है, सबसे पहले इंजेक्शन करते हैं, फिर डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर इंजेक्शन। मतलब सबसे पहले वो मुंह से खाना खाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो पेट के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, उसके बाद बॉडी को वो, फिर वो बॉडी में जाके फिर एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद फिर वो जो वेस्ट होता है उसको वो निकाल देते हैं। इस तरह से फ्लोज ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स करते हैं, ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकेंड वन है, सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें पैरासिटिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे मस्कीटो, मच्छर तो आपने सुनी होगी, मच्छर हमारे ऊपर, हम मच्छर हमारे बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं जैसे, या फिर अगर अंदर से न्यूट्रिशन लेने की बात की जाए तो फिर आपने राउंड वर्म्स सुनी होगी, राउंड वर्म्स, तो राउंड वर्म्स हमारे पेट के अंदर रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो ये सब क्या है, पैरासाइट्स है, मतलब ये धीरे धीरे करके नुकसान पहुंचाते हैं, पूरा तो नहीं मारते पर धीरे धीरे करके नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद जो इसमें लास्ट हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हमारा सैप्रोफिटिक, मतलब ये डेड ऑर्गेनिजम्स को खा के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जो डेड चीजें होती है ना उनको पहले ही खा लेते हैं, उनके ऊपर अपने एंजाइम्स डाल के उनको खा लेते हैं, बाहर डाइजेस्ट करके फिर उन्हें खाते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एंड हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में अपने बच्चों के टॉपिक्स को कवर करेंगे वन बाय वन। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।